स्टूडेंट्स, प्रज्ञा अकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे फसल उत्पादन और प्रबंधन, ठीक है। फसल का उत्पादन किस प्रकार किया जाए, यानी ऐसे कौन से कार्य किए जाएं ताकि हमें फसल का अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके, और इसका प्रबंधन किस प्रकार किया जाए। तो इसके लिए मैंने आपको कृषि में कुल कितने चरण बताए थे कल आपको, फसल या कृषि के चरण हमने कल पढ़े थे, तो इसमें मैंने आपको बताए थे 8 चरण, 7 चरण पढ़े, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या बताया था आपको, मिट्टी तैयार करना। पहला क्या बताया था, मिट्टी तैयार करना। इसके बाद दूसरा क्या बताया आपको, बुआई। इसके बाद तीसरा बताया आपको खाद एवं उर्वरक देना। इसके बाद चौथा सिंचाई, ठीक है। सिंचाई के बाद बताया आपको खरपतवार को अलग करना अथवा निराई व गुड़ाई, ठीक है। इसके बाद बताया आपको कटाई एवं कहाई, और फिर लास्ट बताया आपको क्या, भंडारण। तो इस तरह से आपको 7 चरण जो है मैंने आपको कृषि के बताए थे। मैंने 7 चरणों में सबसे पहला चरण जो मैंने आपको बताया था वो था आपका मिट्टी, मिट्टी तैयार करना। ये क्या होता है मिट्टी तैयार करना। तो इसमें मैंने आपको थोड़ा सा कल बताया था कि खेतों को बुआई से पहले क्या किया जाता है, खेतों की मिट्टी को उल्टा और पलटा जाता है। तो मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला बनाना, मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला बनाना, ठीक है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मिट्टी तैयार करना कहते हैं, ठीक है। और इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, क्या, जुताई। क्या कहते हैं इसको, जुताई कहते हैं, ठीक है। सामान्य जो सब काम में लिया जाता है इसके लिए वो है जुताई। तो इस पर शब्द से आप सभी परिचित हैं, जुताई क्या होता है, तो मृदा को उलटना, साथ के साथ लिखते जाएंगे आप, मृदा को उलटना पलटना एवं पोली बनाना, जुताई कहलाता है। क्या कहलाता है, वो जुताई कहलाता है, ठीक है। मृदा को उलटना पलटना एवं पोली बनाना क्या कहलाता है, जुताई कहलाता है, ठीक है। अब बात आती है कि तब यहाँ पर काम आता है मृदा को पोली बनाना। तो मृदा को पोली बनाना क्यों आवश्यक है, जुताई के दौरान मृदा को उल्टा पलटा जाता है, उसमें हल चलाया जाता है या फिर ट्रैक्टर की सहायता से उसको उल्टा पलटा जाता है, और उस उलटने पलटने के कारण क्या होता है, मृदा जो है वो पोली हो जाती है। तो मृदा को पोली बनाना क्यों आवश्यक है, इसके कारण क्या है, तो इसके कुछ कारण सामान्य से हैं जो हम यहाँ पर जान सकते हैं। जैसे सबसे पहला कारण देखें, मृदा को जब पोला बनाया जाता है तो पोली मृदा में क्या होता है, जड़ें, पादप की जो जड़ें होती हैं वो आसानी से गहराई तक जा सकती, जड़ें आसानी से कहां जा सकती हैं, गहराई तक पहुंच जाती है, ठीक है। यदि मृदा पोली होगी तो उसमें जड़ें जो है आसानी से गहराई तक चली जाती हैं, ताकि उनको पर्याप्त मात्रा में जल और अन्य पोषण पदार्थ प्राप्त हो, ठीक है। दूसरा इसका कारण है, पोली मृदा में जड़ें, या हम ये कह सकते हैं पोली मृदा में वायु
आसानी से प्रवेश कर जाती है। जिससे जड़ें आसानी से श्वसन कर सकती हैं। क्या होता है, जड़ें आसानी से श्वसन कर सकती है। मृदा यदि पोली है तो उस पोली मृदा में वायु जो है वो आसानी के अंदर प्रवेश कर जाएगी, और जब वायु आसानी से अंदर प्रवेश कर जाएगी तो जड़ें जो है वो आसानी से उसको जो भी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन आदि की आवश्यकता है वो आसानी से वो ग्रहण कर सकते। ठीक है, इसके बाद तीसरा कारण देखें तो मृदा में उपस्थित केंचुआ, तो मृदा में अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव और केंचुआ आदि पाए जाते हैं। ठीक है, तो केंचुआ पाया जाता है, गंडे को बोलते हैं हम, केंचुआ सूक्ष्म जीव आदि पोली मृदा में आसानी से वृद्धि कर सकते हैं। सूक्ष्मजीव जो है ये पोली मृदा में क्या है, आसानी से अपनी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको भी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन वगैरह ये सारी चीजें प्राप्त होती रहती हैं, जिससे ये अपनी संख्या में तेजी से वृद्धि कर लेते हैं। और ये सूक्ष्मजीव जो है ये मृदा के लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि ये वायुमंडल से बहुत सारे ऐसे नाइट्रोजन आदि गैसों को अवशोषित करते हैं, और मृदा में उपस्थित जो भी आपके अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे पेड़ पौधों की पत्तियाँ पेड़ वगैरह जो हैं, कार्बनिक पदार्थ जितने भी होते हैं, उनको ये केंचुआ और सूक्ष्मजीव जो है ये अवघटित करते हैं, और अवघटित करके उसको पोषक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो चौथा कारण लिख सकते हैं अपन क्या, कि पोली मृदा में सूक्ष्म जीव मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, मृदा यदि पोली है तो ऐसी स्थिति में जो सूक्ष्म जीव है मृदा में उपस्थित वो क्या करते हैं, उसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण कर उसे ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं, जो कि अत्यधिक पोषक पदार्थों से युक्त होता है। ठीक है, इसके अलावा और कारण लिख सकते हैं अपन क्या, कि मृदा को उलटने एवं पलटने से मृदा में उपस्थित पोषक
ऊपर आ जाते हैं अतः ऊपर आ जाते हैं तथा पादप उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रमुख कारण है जो मृदा को पोली बनाने के लिए या मृदा को उलटने पलटने के लिए या हम कह रहे हैं खेत की जुताई के लिए आवश्यक माने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आसानी से पोली मृदा जो है उसमें गड़े आसानी से गहराई तक जा सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कारण पोली मृदा में वायु आसानी से प्रवेश कर जाती है, इससे जड़े आसानी से श्वसन कर सकती हैं। तीसरा कारण होता है मृदा में उपस्थित केंचुआ सूक्ष्म जीव आदि पोली मृदा में आसानी से वृद्धि कर सकते हैं। और पोली मृदा में सूक्ष्म जीव जो है ये मृदा में उपस्थित जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं, जो कि अत्यधिक पोषक होता है और उसमें पोषक पदार्थों से भरपूर होता है ये, और ये पादपों की वृद्धि के लिए अत्यधिक आवश्यक माना जाता है। और अगला जो कारण है कि मृदा को उलटने और पलटने से क्या होता है कि मृदा में उपस्थित जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं वो सब ऊपर आ जाते हैं और उनके ऊपर आने से पादप उन्हें आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कारण जो है ये मृदा को उलटने पलटने एवं पोला बनाने के लिए आवश्यक माने गए। ठीक है, तो आप इनको अपने नोटबुक में नोट कीजिए और इनको आप याद करेंगे। कल हम पढ़ेंगे खेत की जुताई के लिए कौन कौन से साधनों का उपयोग किया जाता है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।